नमस्कार, जोहार, आदाब। क्लीन न्यूज झारखंड में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। तो चलिए जानते हैं खबर को विस्तार से। आदित्यपुर के होटल मधुवन में ईडी की रेड, छत्तीसगढ़ के सीएम के पूर्व सचिव से जुड़ा है मामला। छत्तीसगढ़ के आईएएस अधिकारी सौम्या चौरसिया से जुड़े झारखंड स्थित एक ठिकाने पर प्रदर्शन निदेशालय की टीम ने कल छापेमारी की। शुक्रवार को पूर्वी सिंहभूम के जिला मुख्यालय जमशेदपुर से सटे आदित्यपुर में भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी रही सौम्या चौरसिया के करीबी सनोज कुमार के यहाँ ईडी की टीम ने दबिश दी। छत्तीसगढ़ ईडी के आग्रह पर जमशेदपुर से सटे आदित्यपुर में यह कार्रवाई की गई। मामला कोयला लेबी घोटाला से जुड़ा है। आदित्यपुर झारखंड के सरायकेला खरसवा जिला में पड़ता है। क्या झारखंड में भी आ सकती है जोशीमठ जैसी स्थिति, जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट। उत्तराखंड का जोशीमठ संकट में है। कई इलाकों से जमीन धंसने की खबरें लगातार देखने और सुनने को मिल रही है। कई लोगों के घरों में गहरी दरारें आ गई है। वहां पर रह रहे लोग डर की साय में जी रहे हैं। इस हादसे के पीछे सभी लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। कोई बेतरकीब निर्माण को लेकर जिम्मेदार बता रहा है तो कोई किसी और चीज़ को। इस हादसे के पीछे की वजह जानने के लिए पर्यावरणविद से बात कर इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश की। साथ ही यह भी पता लगाया कि जोशीमठ जैसी स्थिति झारखंड में भी आ सकती है। स्नातक पास लोगों के लिए खुशखबरी, झारखंड में संविदा पर होगी शिक्षकों की बहाली, जानिए वेतनमान। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए 80 उत्कृष्ट विद्यालय यानी स्कूल ऑफ द एक्सीलेंस की शुरुआत कर रही है। इसमें शिक्षकों की बहाली के साथ इसके साथ ही राज्य के अलग अलग जिलों में मौजूद आदर्श विद्यालय में भी शिक्षकों की बहाली होगी। आदर्श विद्यालयों में बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दोनों की कोटि के विद्यालयों में संविदा के आधार पर शिक्षकों की बहाली होगी। जीएम बोले, गुमला में 100 यूनिट की बिजली का लाभ लेने के लिए बिजली मीटर लगाना जरूरी। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के जीएम पीके श्रीवास्तव गुरुवार को गुमला पहुंचे। विद्युत विभाग गुमला के पदाधिकारियों के साथ पावर हाउस करौंदी के विभागीय कार्यालय में बैठक किया। बैठक में जीएम ने विद्युत संबंधित मामलों की समीक्षा किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिया। आमजनों को विद्युत सुविधा मुहैया कराने के लिए सरकार द्वारा 100 यूनिट तक की फ्री बिजली की समीक्षा में जीएम ने अधिकारियों को योजना का प्रचार प्रसार करने एवं फ्री में बिजली जलाने के लिए मीटर लगवाने के लिए प्रेरित करने का निर्देश दिया। कहा कि योजना के तहत आमजनों को 100 यूनिट फ्री बिजली दिया जाना है, परंतु इस योजना से वैसे उपभोक्ता लाभान्वित हो सकेंगे जिन्होंने अपने यहाँ बिजली मीटर लगवाया है। सहायक शिक्षकों के प्रमाण पत्र का तो हो रहा सत्यापन, लेकिन सरकारी टीचर का कब बिना जांच उठा रहे हैं वेतन। झारखंड में सरकार पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्र का तो सत्यापन कर रही है, लेकिन अब तक सरकारी शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं हो सका। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस संबंध में जिलों को कई बार निर्देश दिया, लेकिन जिला स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। नियमानुसार प्रमाण पत्र सत्यापन के बाद ही वेतन भुगतान का प्रावधान है, जबकि इन शिक्षकों को बिना प्रमाण पत्र सत्यापन के ही 7 साल से वेतन भुगतान हो रहा है। झारखंड के इन 2 शहरों में शुरू हुई 5G सेवाएं, HD वीडियो स्क्रिप्टिंग में और फास्ट गेमिंग हुआ आसान। झारखंड में 5G इंटरनेट सेवा का इंतजार खत्म हुआ। राजधानी रांची और टाटा नगरी जमशेदपुर में शुक्रवार से 5G सेवा शुरू कर दी गई है। एयरटेल ने इसकी आधिकारिक घोषणा की। रांची के 2 प्रमुख शहरों में 5G सेवा की शुरुआत के मौके पर एयरटेल के झारखंड, बिहार और ओडिशा के CEO ने कहा कि ग्राहक मौजूदा 4G स्पीड के मुकाबले 20-30 गुना ज़्यादा ही गति से अल्ट्रा फास्ट नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकेंगे। ये सेवा सारे ग्राहकों को गेमिंग, मल्टीपल चैट, इंटरेस्ट फोटो अपलोड किए, HD वीडियो स्ट्रीमिंग जैसी सुपरफास्ट सुविधाएं देगा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने बेंगलुरु के पास 112 फीट ऊंची आदियोगी की प्रतिमा का उद्घाटन की अनुमति दी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बेंगलुरु के पास चिक्काबलामपुर जिले में 15 जनवरी को ईसा योग केंद्र की 112 फीट ऊंची आदित्य योगी प्रतिमा के उद्घाटन की अनुमति दे दी है। अदालत ने 11 जनवरी को ईसा योग केंद्र पर वनों और भूमि अधिग्रहण कानूनों के उल्लंघन के चलते निर्माण के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर यथास्थिति का आदेश दिया था। हिमाचल प्रदेश में राज्य सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन योजना की दी मंजूरी। हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने कैबिनेट की पहली बैठक में पुरानी पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है। CM ने कहा, वोट के लिए नहीं बल्कि कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा देने और उनके स्वाभिमान की रक्षा के लिए कदम उठाया है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान OPS बहाल करने का वादा किया था।
एमलेन आशिक सड़क हादसे में मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख के मुआवजे की घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के नासिक में बस व ट्रक की हुई टक्कर में मृतकों के परिवार को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 की सहायता राशि देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, शोक संतप्त परिवारों के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से होगा शुरू। 1 फरवरी को बजट पेश करेगी वित्त मंत्री। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने शुक्रवार को बताया कि संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से 6 अप्रैल तक चलेगा, जिस दौरान 66 दिनों से 27 बैठकें होगी। बकौल रिपोर्ट, 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन में आम बजट पेश करेंगी। बजट का सत्र का पहला चरण 31 जनवरी 14 फरवरी तक, दूसरा चरण 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चलेगा।